Hi friends, welcome to my channel Kavya Jani and Kavan Jani. अभी हम कोरिएंडर से उसकी चटनी बनाएंगे, tasty tasty. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में सब्सक्राइब है, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने फ्रेश धनिया ले लिया है, मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया है, उसको चॉप कर लेंगे। मैंने धनिया को चॉप कर लिया है, अब ये हरी मिर्च है उसको चॉप करेंगे। हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है। मैंने मूंगफली को रोस्ट कर लिया है, अब हम पीनट्स को इसके अंदर डाल देंगे। ऐसे बाउल में डाल देना है, इसके ऐसे करके इसमें छिलके निकाल देंगे इस तरह से। मूंगफली के छिलके निकाल लिए हैं, मैंने मिक्सचर झाड़ लिया है, हम इसमें धनिए को डाल देंगे। हम इसमें हरी मिर्च को डाल देंगे, इसमें मूंगफली डालेंगे, अब इसमें 8 कली लहसुन डालेंगे, अब इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे, इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, अब इसमें नींबू का रस डालेंगे, इसको क्रश कर लेंगे। इसको थोड़ा क्रश कर लिया है, अब इसमें पानी डालेंगे। चटनी को पतला रखना है इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है, आपको जितना पतला रखना उतना पानी डालिए इसमें। हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है, आप इसको सैंडविच, पकोड़ा, भजिया, ढोकला के साथ खा सकते हो। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाइए और लाइक कर दीजिए। ऐसी इजी एंड क्विक रेसिपी देखना चाहते हो और आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ उसके बाजू वाला घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, और हाँ अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना।